हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ये सर्कल डोर मैट जो कि मैंने दो कलर में इसे बनाया है। और डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है, और कंप्लीट होने के बाद तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो पीछे की साइड में आपको दिखाती हूँ, पीछे की कुछ इस तरह से ही है, यानी कि आप इसे दोनों साइड से भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ली है 9 नंबर की स्टिक और 1 इंच जो कि साड़ी की पट्टी निकाल ली है, और उसे कुछ इस तरह से 2 नॉट लगा कर मैं यहाँ पर फिक्स कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे फिक्स कर लिया है, और अब हम जो स्टार्टिंग के नॉट लगाते हैं डोर मैट में, कुछ उसी तरह से अब इसके जो है स्टार्टिंग के नॉट में लगा ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं इसे नॉट लगा ले रही हूँ। तो आपको आगे जाके दिखेगा कि मैं ये नॉट किस से लगा रही हूँ। ये कैमरा के एंगल की वजह से आपको ये प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने आगे डिटेल्स में दिखाए हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से सिंपल है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके नॉट यहाँ पर लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, जो सुनहरे कलर का धागा एयरिंग होल्डर, उसको भी मैंने कुछ 2 नॉट लगा कर फिक्स कर लिया है, और उसे भी कुछ हम स्टार्टिंग के नॉट जैसे लगाते हैं सेम उसी तरह से हम इसे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने गोल्डन वाले भी 3 नॉट यहाँ पर लगाए हैं। फिर से हम और एक ब्लैक कलर का धागा लेंगे, और फिर उसको भी हम 2 नॉट लगा कर फिक्स कर लेंगे, और उसी के भी हम 3 नॉट्स ही लेंगे। वापस हम गोल्डन नॉट्स लगाएंगे, धागा लेंगे, और उसके 6 नॉट लगाएंगे। तो आप देख पाओगे आगे इसको, देखिए इसके भी मैंने 3 नॉट्स ही लगाए हैं। तो टोटल नॉट में बता देती हूँ, मैंने ब्लैक कलर के 15 नॉट लिए हैं नीचे से, वापस गोल्डन कलर के 3 नॉट्स लिए, प्लस में 3 नॉट्स मैंने फिर से ब्लैक कलर के लिए, और जो अभी गोल्डन लास्ट पर धागा मैंने डाला है उसके मैंने 6 नॉट लिए। तो कुल मिलाकर इतने नॉट मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इसी इतने ही नॉट में ये डोरमेट काफ़ी बड़ा बन के तैयार होता है। बड़ी साइज़ का ये डोरमेट आपको दिखाई देता है, और जो है इसका शेप जो सर्कल डोरमेट की तरह ही राउंड में है। और ये देखिए सेकेंड स्टिक लेकर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से धागे को लपेटते हुए नीचे से निकाला। तो कुछ इसी तरह से हम जो सर्कल डोर मैट में बुनाई करते सेम उसी तरह से करनी है। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन कैसे डालनी है वो दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आपको बेसिक सर्कल डोर मैट ही कैसे बनाते हैं वही पता नहीं है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या मेरे चैनल पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वो जाके भी देख लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सुनहरे धागे तक इसे बुन लिया है, और आगे वाला ब्लैक धागे को कुछ इस तरह से अब हम इसे फिक्स कर लेंगे दोनों धागों को, ताकि ये जो सेपरेट हो चुके थे धागे अब ये नहीं होंगे, यहाँ पर जो है नॉट को मैंने फंसा लिया है। तो कुछ इस तरह से आपने जैसे कि वीडियो में देखा है सेम उसी तरह से नॉट को यहाँ पर, यानी कि धागे को यहाँ पर फंसाना है। ये देखिए फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आगे का ये सुनहरे कलर का नॉट में स्टिक डाला, नीचे कलर का ब्लैक कलर के धागे को, और नीचे से उसके नीचे से मैंने गोल्डन धागे को आगे की तरफ लिया, और ये यहाँ पर फिक्स हो गया। तो इसी तरह से हमें इसे बुनना है, जिस कलर का नॉट है हमने उसी धागे से इसे बुनना है। तो ये देखिए ये वाला भी मैं सुनहरा जो नॉट है उसको सुनहरे धागे से ही बुन लेती हूँ, यानी कि गोल्डन कलर के धागे से। और फिर से देखिए ये ब्लैक कलर के इस प्रकार से नीचे से हमने इसको दोनों को जो है जोड़ लेना है। तो कुछ इस तरह से ही हमने इसको एंड तक बुनते हुए जाना है। लेकिन जो बेसिक सा रूल होता है सर्कल डोर मैट में, जो कि हमें 3 3 नॉट्स नीचे से छोड़ने होते हैं, तो इस बार हम नीचे से 3 नॉट छोड़ेंगे। तो कैसे आप वीडियो में देख पाओगे। अगर आपको सर्कल डोर मैट कैसे बनता है ये पता होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि नीचे से हम 3 नॉट्स यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो वैसे मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ कि कैसे आपको 3 नॉट्स नीचे से छोड़ने हैं। तो एंड तक कुछ इसी तरह से हमें
इसे बुनते हुए जाना है, जैसे कि हम हर डोर मैट में बेसिक से जो नॉट बुनते सेम उसी तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, स्टिक को अंदर की तरफ डालना है, धागे को लपेटना, फिर से स्टिक को निकालना और ये वाले स्टिक को भी निकालना, सेम उसी तरह से हम जो है डोर मैट की जो बुनाई करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया है और ये जो है अब हम नीचे से थ्री नॉट छोड़ेंगे। देखिए हमारे स्टिक में जो है थ्री नॉट से यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, वो हमें छोड़ यही से अब हम धागे को पीछे की तरफ से पलटते हुए स्टिक को भी पलटेंगे और ऊपर की तरफ अब हम बुनाई करेंगे। ये जो थ्री नॉट्स नीचे छोड़े हैं इसको हम नहीं बुनेंगे, सिर्फ इसे ये से बुनाई हम आगे की तरफ यानी ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो ये हमें हर बार ऐसा ही करना है, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं थ्री, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम अब जो नेक्स्ट रो जो है बुनेंगे हम, तो उसमें आपको दिखाएंगे कि ये थ्री और प्लस थ्री, हर बारी जब भी हम ऊपर से बुनते हुए नीचे आएंगे तो छोड़े में छोड़े जो हमने छोड़े हैं पहले भी नॉट्स उसमें और थ्री ऐड करके छोड़ देंगे। तो ऐसे हम सर्कल डोर मैट जो है वो बुनते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि हम ऊपर की तरफ यहाँ पर बुनते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से हम पीछे की साइड से भी बुनते हुए जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह से अब हमें बुनते हुए जाना है। देखिए यहाँ पर जो है ब्लैक नॉट ख़त्म हो गए हैं, अब हम गोल्डन धागे को जो है आगे की तरफ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और ये जो थ्री हमने गोल्डन नॉट्स लगाए हैं वो अब हम गोल्डन धागे से ही बुनेंगे कुछ इस तरह से। देख और ब्लैक कलर का धागा हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया, ये देखिए ये गोल्डन अब ब्लैक कलर के धागे को फिर से आगे कर लेंगे। ये जो थ्री नॉट्स वाला धागा जो ब्लैक कलर का था, अब ये थ्री वाले ये धागे से हम बुनेंगे और धागे को हमें सिर्फ एक साइड से फंसाना है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तब। तो ये देखिए और फिर से अब हम ये गोल्डन वाला नॉट आगे की तरफ धागा आगे की तरफ कर लेंगे और ये जो सिक्स गोल्डन नॉट्स यहाँ पर हैं उसे हम उसी धागे से बुनते हुए चले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं गोल्डन नॉट्स जो है वो बुन ले रही हूँ। ये मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको दिखाया है इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है, अदरवाइज़ अगर आपको मैंने थोड़ा सा फास्ट करके बताया होता तो वीडियो कम लेंथ में कम हो जाता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो इसलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने बुना, इस धागे को पलटते हुए हमने ऊपर की साइड जो है बुन लिए, इसीलिए यही तक इसकी जो लाइन है दिखाई दे रहे हैं। फिर से हम उसी तरह से नीचे की तरफ बुनते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर बुन लिया नीचे की तरफ जाते हुए, उसी गोल्डन कलर के धागे को हम गोल्डन कलर के नॉट्स बुन लेंगे। तो सेम उसी तरह से हैं जैसे कि पहले हमने बुनाया है उसी तरह से बुनते हुए हमें नीचे जाना है। देखिए ये से ब्लैक वाला धागा है, फिर से हम आगे की तरफ कर लेंगे यहाँ पर, और ये देखिए नीचे की तरफ जो है धागे की बहुत ही ज़्यादा लिपट जाते हैं तो उसको भी हमें सेपरेट करना होता है। ये देखिए फिर से यहाँ पर हमने धागा फंसाया, ये धागा फंसाने वाले जो है वो हमें एक ही साइड से करना है, पीछे की साइड से हम जैसे को ऐसे बुनेंगे फंसाएंगे नहीं, सिर्फ आगे की साइड से ही फंसाएंगे धागे को भी। देखिए अब गोल्डन वाला धागा मैं फिर से आगे कर लेती हूँ और ये जो फिर से हम यहाँ पर ये दोनों धागे को फंसाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से ऐसे करके फंसाना है, और ये थ्री जो है गोल्डन नॉट्स वो हम गोल्डन धागे से ही बुनने हैं। और फिर से अभी ब्लैक वाला धागा हम जो है वो आगे की तरफ कर लेंगे और वो नीचे के जो ब्लैक नॉट्स हैं वो हम ब्लैक धागे से ही बुनेंगे, कुछ इस तरह से धागा फंसे लिया और नीचे की तरफ हम बुनते हुए जाएंगे। लेकिन इस बारी जब भी हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वो थ्री जो छोड़े हैं उसमें और थ्री ऐड करके छोड़ देंगे, यानी कि कुल अब हम छह नॉट्स यहाँ पर छोड़ देंगे।
यानी कि हर बारी जब भी हम नीचे की तरफ आते हैं छोड़े हुए नॉट में से भी और प्लस थ्री नॉट्स हमें छोड़ने होते हैं। सेम इसी तरह का रूल जो है वो सर्कल डोर मैट में जो है वो होता है। और इसमें डिज़ाइन तो क्या है, सिर्फ आपको नॉट सही सही लगाने हैं और जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे को बुनना है। और ऐसे बुनते बुनते आप जो है वो सर्कल डोर मैट को बना लेंगे कुछ उस कलर के डिज़ाइन का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। लेकिन ये थ्री नॉट और ए प्लस थ्री नॉट कुल मिलाकर अब मैंने छः नॉट छोड़कर यही से धागे को पलट लिया। सेम उसी तरह से जैसे हम ऊपर की तरफ बुनाई की है सेम उसी तरह से हमें इसे बुनना है। और ऐसे ही छोड़ते छोड़ते हमें हर नॉट छोड़ना है जब तक कि हमारे स्टिक में लास्ट वाले थ्री नॉट नहीं बच जाते, तब तक हर बारी थ्री थ्री नॉट्स हमें छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो मैं ये यहाँ तक बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया, ये देखिए ये थ्री और प्लस ये इसे धागे को छोड़ दिया था। ये देखिए यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट टाइम हम ऊपर से बुनते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ से धागे को पलटेंगे, बाद में यहीं से, बाद में यहाँ से और उसके बाद यहाँ से, ऐसे करते करते हम सभी नॉट्स को जो है वो छोड़ते हुए चले जाएंगे। उस तरह से अब हर बारी थ्री थ्री नॉट छोड़ते हुए बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखाई देता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बुन लिया, तो ये देखिए कुछ इस तरह से थ्री हर बारी थ्री नॉट छोड़ते हुए धागे को पलटा, थ्री नॉट छोड़ते हुए धागे को यही से, यहाँ से, फिर यहाँ से और यहाँ से, ऐसे करते हुए हमने सब नॉट यहाँ पर पलटा लिया। तो कुछ इस तरह से इसकी बुनाई होंगी। अब हम फिर से जो है एंड तक बुनेंगे, जो नॉट है एंड तक बुनेंगे, फिर से थ्री थ्री नॉट्स इसी तरह का पैटर्न जो है हम करेंगे। अब हम यहाँ तक एंड तक यहाँ पर बुनेंगे, बाद में फिर थ्री छोड़ेंगे, फिर थ्री छोड़ेंगे, छः नौ बारह पंद्रह ऐसे छोड़ते छोड़ते बनाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो है सर्कल रूप में और डिज़ाइन कुछ इसी तरह से हम बुनते आगे जाएंगे तो ये सर्कल शेप ऑटोमेटिक जो है बनके रेडी हो जाएगा और हमारा डोर मैट है जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा।